नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी की बात। आज छिंदवाड़ के एसडीएम अतुल सिंह फटाके गोदामों के निरीक्षण करने के लिए निकले। दीपावली नजदीक है, इसको लेते हुए फटाके गोदामों में सुरक्षा व्यवस्था क्या की गई है उसका निरीक्षण करने के लिए अतुल सिंह निकले। कोरोना काल भी चल रहा है, जिसको लेते हुए सावधानी अलग बरतनी होगी। और अग्निशमन यंत्रों का किस तरह का से प्रयोग किया जा रहा है फटाका गोदामों में, और फटाकों की जो दुकानें अब कुछ समय बाद चालू होगी, जो प्रशासन के नियम अनुसार चालू की जाएगी, उनको लेकर के क्या क्या व्यवस्था की जा रही है, उन्हें देखने के लिए आज एसडीएम अतुल सिंह निकले थे। सिवनी रोड स्थित पूरे फटाकों के गोदामों में से तीन चार में उन्होंने निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। देखिए रिपोर्ट। दीपावली का त्यौहार आने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है। ऐसे में आज एसडीएम अतुल सिंह पटाखों के गोदाम पहुंचे और उन्होंने गोदामों की जांच कर कोरोना के चलते जा रही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। ये वाला आइटम नहीं ना जो आप बोल रहे हो, अभी दिवाली तो आने दो बेटा। जैसा कि सभी को विदित है कि आगामी दिनों में दीपावली का त्यौहार आने वाला है, इसके दृष्टिगत जो पटाखे के लाइसेंसधारी हैं वहाँ से अब आम जन जाएंगे और पटाखे वगैरह की खरीदी करेंगे। साथ ही जो थोक पटाखे वाले हैं वहाँ से फुटकर के पटाखे व्यापारी भी जाके वहाँ पटाखे का क्रय करेंगे। उन दुकानों में लोगों का आना जाना होगा। एहतियात के तौर पर वहाँ संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएँ नियमानुसार की गई हैं कि नहीं, इसके निरीक्षण के लिए आज मैं तहसीलदार, थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी कुंडीपुरा के साथ हम लोगों ने संयुक्त रूप से भ्रमण किया। सभी जहां बारूद रखने के जिनके लाइसेंस हैं, जो पटाखा निर्माण कर रहे हैं, साथ ही थोक व्यापारी जो हैं उनको आवश्यक समझाइश दी, उनके दस्तावेजों का परीक्षण किया, जिससे कि पटाखे की बिक्री में आम जनता को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और कोई घटना दुर्घटना ना हो। सर, जिले में कितने ऐसी जगह है जहाँ पर पटाखे बनाने की लाइसेंस? जिले का मैं स्पष्ट रूप से अभी संख्या नहीं बता पाऊंगा। छिंदवाड़ा शहर और उसके आसपास पटाखा बनाने के चार चार स्थल हैं, जिनका निरीक्षण हम लोगों द्वारा किया गया। साथ ही पटाखा बनाने के थोक गोडाउन है, उसका भी निरीक्षण किया गया। और सिवनी रोड पे जो थोक पटाखा मार्केट है, जहाँ परमानेंट दुकानें लगती हैं पटाखे की, उनका भी निरीक्षण करके सभी को आवश्यक समझाइश दी गई है और आवश्यक सभी सुरक्षा संबंधी उपाय करने के लिए निर्देशित किया गया। दीपावली नजदीक है, इसलिए खाद्य अधिकारी भी जाग उठे हैं। खाद्य अधिकारी जाग करके दुकानों के निरीक्षण के लिए निकल गए हैं, क्योंकि कोरोना के चलते विशेष निर्देश जारी किए गए हैं कि मिठाइयां ज्यादा समय पुरानी ना हो, जिसके चलते हुए नुकसान किसी प्रकार का ना हो। खाद्य विभाग द्वारा कुछ समय पूर्व भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिनका पालन करना दुकानदारों के लिए अनिवार्य था, जिसमें निर्माण की तिथि और एक्सपायरी डेट जो होती है वो दोनों मिठाइयों की दुकानों पर, मिठाइयों के ऊपर अंकित करना अनिवार्य है। लेकिन जब हमारी टीम इसका निरीक्षण करने के लिए निकली थी, तो उस समय बहुत सी दुकानदारों के पास ऐसे कोई दिशा निर्देश उन्हें प्राप्त न होने की जानकारी भी थी, उन्होंने ये बात कही भी। इसके अलावा ये बात भी बताई कि उनके पास ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं है, जिसके कारण उन्होंने इसको नहीं लिखा है। और कई बड़ी दुकानदार भी फेरे में आए कि उनके द्वारा भी सिर्फ निर्माण की तिथि लिखी गई थी और या सिर्फ एक्सपायरी डेट की, दोनों डेटें नहीं। पिछले दिनों प्रकाश में लाए गए मामले पर अब खाद्य विभाग जागा और जगह जगह जांच कर अपना कर्तव्य निर्वहन किया। कुछ दिन पहले मिठाइयों की दुकान पर जाकर
जब हमारी टीम ने नए नियमों के अनुसार मिठाई पर बनने और एक्सपायरी डेट की जानकारी अंकित करने की कार्यवाही कितने दुकान वाले कर रहे थे इसकी पड़ताल की तो बहुत सी दुकानों में इन बातों का पालन नहीं हो रहा था, जिसकी सूचना पाकर खाद्य अधिकारी आज जगह जगह जाकर जाँच की। देखें रिपोर्ट। मिठाई का एक्सपायर हो गई है क्या? एक्सपायर हो गई है क्या? आपकी मिठाई की शॉप है ये, आपने एक्सपायरी डेट डाल करके नहीं रखा है, क्यों? एक्सपायरी डेट जब होगी तो डालेंगे ना अपन। मिठाइयाँ एक्सपायर नहीं होती। अरे होती है ना जी, मैं कह रहा हूँ 15 दिन बाद हो जाएगी जी, लेकिन उतनी देर रहेगी नहीं। वो जरूरी है कि आपकी दुकान में आज ही बिक जाएगी? ये परसों का माल बना है ना, और वो क्या है, वो मिठाई कुछ नहीं है उसमें, दूध की कोई मिठाई नहीं है जी। आपका आपका नाम? अर्पित गुप्ता। जी इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभी तक आपकी नेम प्लेट में जो एक्सपायरी डेट होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, तो मिठाई के सामने जो उसकी प्लेट रहती है अभी तक क्यों नहीं लग पाई है? उसकी कोई जानकारी नहीं है अपने खाद्य विभाग ने अब तक, आज तक कोई जानकारी आपको मिलनी पड़ेगी कुछ माध्यम से? कोई भी जानकारी? कोई जानकारी नहीं मिली। अच्छा, तो आप अभी तक जब से अभी तक आप ऐसी बेच रहे हैं? नहीं, बस इसी टाइप से है, इसी टाइप से बेच रहे हैं। आपका नाम? ये आपने एक्सपायरी डेट करके अभी तक मिठाइयों में पट्टी क्यों नहीं लगवाए? पट्टी लगाए थे, अभी दशहरे के कारण हटा लिए, उसको थोड़ी फ्रेश हो रही है, साफ सफाई कर रहा है उसकी। दशहरे में हटा लगा दिए? अरे अभी कल हटा है उसको, आज शाम तक लगा देंगे। फिर आज दिन भर मिठाई कैसे बेचेंगे आप बिना एक्सपायरी डेट वाली? नहीं, एक्सपायरी डेट तो ताजी मिठाई। पता कैसे चलेगा कि एक्सपायरी डेट है कि नहीं है उसमें? उसको हम अभी लगा देंगे ना, साफ करके अभी आज लगा देंगे। सर, 4 दिन पहले शहर से लगी हुई दुकान है, जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान है और जो चंदना स्थित या फिर थोड़े आउट साइड के भी, इन दुकानों में हम लोगों ने जाकर के देखा ना, एक्सपायरी डली हुई थी इन मिठाइयों में ना, मैन्युफैक्चरिंग डली हुई थी, तो इस बारे में आपका क्या? देखिए, नया नियम आया हुआ है और मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी दुकानों की स्थिति ये नहीं है, लेकिन आप लोगों द्वारा संज्ञान में लाया गया था ये मुद्दा, तो लगातार पिछले 4 से 5 दिनों में हम लोगों ने सभी दुकानों का निरीक्षण किया है और जैसा कि अब आप घूमकर देख सकते हैं कि शहर में सभी दुकानों में इस नियम का पालन कराना हम सुनिश्चित करवा रहे हैं। सर, इस दुकान में क्या कार्रवाई करें आप? ये चंदन गांव के दूरदराज के क्षेत्र में स्थित दुकान है, शिव शक्ति राजस्थान स्वीट्स, यहाँ निरीक्षण किया जा रहा है और आगामी आने वाले त्यौहार के अंतर्गत क्या क्या सावधानियाँ इनने मिठाई विक्रेताओं ने रखना है, सारी जानकारी इनको प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कुछ कमियाँ हैं वो इनको बताई जा रही हैं और कमियाँ दूर करवाई जा रही हैं। सर, कई दुकानों में हम लोगों ने निरीक्षण किया तो कई दुकानों में यही चीज़ बात हो रही थी कि हम लोगों को अभी तक नोटिस ना पता, कई ऐसे व्यापारी हैं जो इनको पता भी नहीं। देखिए, तो लोगों ने इनको पहले से अवगत नहीं कराया? देखिए, ये नोटिस शासन के स्तर पर निकलते हैं जो कि विभिन्न समाचार पत्रों से लेकर मीडिया के द्वारा भी प्रेषित किए जाते हैं और यदि कहीं कहीं पालन इनका सुनिश्चित नहीं हो रहा है तो हम लोग भी उनके नोटिस में ला करके पालन करवाना सुनिश्चित कर रहे हैं और इसमें 3 से 4 दुकानों को नोटिस भी इशू किया गया है इस बारे में।